सो डिस्कसिंग अनदर सेट ऑफ पजल्स राइट पजल का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट ऑफ यू है मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा तो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन हैं इसमें क्या है कुछ ईयर दे रखे हैं कुछ एक्टर्स का नाम दे रखा है और फिर आगे सेवन डिफरेंट फिल्म इन विच देवर पार्ट एंड देर वॉज देयर फर्दर मैं हमेशा कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए ही उसको टेबल में रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए जैसे पहले पैराग्राफ पढ़ के मुझे समझ में आता है कि मैं इस टेबल में तीन कॉलम्स बनाऊंगा कितने बनाऊंगा तीन कॉलम्स पहला कॉलम मैं लूंगा ईयर का बिकॉज वो उसका सीक्वेंस मुझे पता है 2010, 11, 12, 13 से लेके 16 तक और सेकेंड में एक्टर ले लो या फिल्म ले लो या फिल्म ले लो या एक्टर ले लो दैट इज योर चॉइस तो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आती है कि जब मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा तो मैं इसमें तीन कॉलम बनाऊंगा और उसके बाद मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करूंगा ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ूंगा और फिर मैं डिजन लूंगा कि हाँ अब क्या करना है नो no. तो मैं इस तरीके से एक टेबल बना लूंगा राइट right? और इस टेबल को बना के अब जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है यहाँ पे राइट right? उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा तो आइए देखते हैं जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी विल ट्राई एंड हाईलाइट इट राइट अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो तभी मैंने दो टेबल बनाई है राइट right? दो टेबल अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल सी क्या पॉसिबिलिटी फाइनली रहेगी और क्या पॉसिबिलिटी हट जाएगी इसको हम बात में देखेंगे तो आइए चलिए करना शुरू करते हैं पहला है कि भाई ईयर्स मैंने इस तरीके से लिख लिए ठीक है मैंने ईयर्स लिख लिए इसको यहाँ से हटाते हैं बहुत स्पेस ले रहा है ओके okay, अब यहाँ इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करते हैं फर्दर इट इज नोन डैट एल रिसीव द अवार्ड फॉर बर्फी इन अर एल को बर्फी के लिए ईयर में अवार्ड मिला है ईयर हमारे पास अगर देखें तो दो हैं यानी एल या तो 2012 में अवार्ड लेगा या फिर 2016 में अवार्ड लेगा मुझे उम्मीद है आप इस पहली बात को बड़े आसानी से समझते हैं ए रिसीव्ड अवार्ड जस्ट बिफोर के अब देखो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इसके ईयर के बारे में नहीं बता तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा हाँ मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट कर लूंगा क्योंकि मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज़ करता हूँ कि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को पढ़नी है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े ठीक है ओके सो ए रिसीव द अवार्ड जस्ट बिफोर के यानी ए को के से जस्ट पहले अवार्ड मिला और ए को किसके लिए मिला टू स्टेट्स के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस तरीके से अलग से रख ली ठीक है बच्चों के रिसीव फॉर फैन के को फैन के लिए मिला ठीक है बहुत ही अच्छी बात है ये दोनों हमेशा इस सीक्वेंस में होंगे इसकी जानकारी हमारे पास यहाँ पे आ गई हमने इसको बॉक्स बना के अलग से रख लिया जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको फिट करेंगे देखेंगे भाई ए के यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं अभी तो हम कुछ इसके लिए फिक्स पोजिशन नहीं कह सकते एल के लिए भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है दोनों को मैंने यहाँ पे रखा है आगे बढ़ते हैं क्या कह रहे हैं फैन आफ्टर रिसीव्ड बाई एल ओके अब क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से ये कह रहा है कि ए को जो अवार्ड मिला है वो एल के बाद मिला है अगर एल के बाद मिला है तो ये जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है राइट right? ये जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये तो खत्म हो जाती है यानी एक बात तो तय हो जाती है हमारे पास कि ये जो हमारे पास बर्फी के लिए एल को अवार्ड मिला है ये दो में ही मिला है दो की पॉसिबिलिटी यहाँ पे उट वाइप हो जाती है तो यह इन्फॉर्मेशन थर्ड स्टेटमेंट है से हम इस पे आ कि तो इसके बाद नहीं सकता ना दैट इज दास्ट ईयर इसीलिए आई होप यू गेट दिस पॉइंट ठीक है अभी ये दोनों कहां पर आएंगे बात भी तय हो गई कि ए और के इसके बाद ही आएंगे इससे ऊपर नहीं आ सकते है ना यहाँ से देखो तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तीसरी इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ए और के कभी भी ऊपर नहीं आएंगे इसके नीचे ही आएंगे बट नीचे भी बहुत सारी पोजिशन है हो सकता है यहाँ पे आ जाए हो सकता है यहाँ पे आ जाए हो सकता है यहाँ पे आ जाए तो तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिलहाल बन रही है देखेंगे अभी मैंने इसको अपने लिए रखा है समझ के कि यहाँ भाई तीन पॉसिबिलिटी बनती है टू एक्टर्स रिसीव्ड अवार्ड बिटवीन टू एक्टर्स रिसीव्ड अवॉर्ड बिटवीन ए एंड एस ठीक है ए और एस के बीच में दो एक्टर्स ने अवार्ड जीता है अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि ए और एस जो है ना जैसे मान लो ये तुम्हारा ए है और ये एस है तो इनके बीच में दो एक्टर्स आएंगे एक सेकेंड पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी बच्चों की हमारे पास ए और एस कुछ इस सीक्वेंस में हो ठीक है तो आइए देखते हैं दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं ए और के तो हमेशा ऐसे ही आएंगे मैंने ए और के ऐसे लिया ठीक है और ए और के मान लो एल अपना बर्फी के साथ इज फिक्स ए को मान लो मैंने यहाँ पे चौदह पंद्रह में ले लिया ठीक है मूवीज का नाम लिख लेंगे हमें पता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब इस वाली स्टेटमेंट को जरा चेक करना चाहेंगे कि ए और एस के बीच में दो एक्टर्स आ रहे हैं अगर इसमें मैं देखता हूँ ए और एस के बीच में दो एक्टर्स आ रहे हैं तो एक दो एस यहाँ पे हो सकता है ठीक है और एक दो एस यहाँ पे भी हो सकता है चलो मैं दो कलर्स ले लेता हूँ ताकि बिकॉज़ पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही हैं तो सेकेंड पॉसिबिलिटी को मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ठीक है तो सेकेंड पॉसिबिलिटी को मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तो एस एक ब्लैक पॉसिबिलिटी है और एक हमारे पास रेड पॉसिबिलिटी है ठीक है दोनों ही केस में हमारे पास ए और के की पोजीशन फिक्स है दोनों ही केस में ए और के की पोजीशन फिक्स है एल की पोजीशन फिक्स है इनकी मूवीज भी हमें पता है ब्लैक वाली पॉसिबिलिटी में एस नीचे है और रेड वाली पॉसिबिलिटी में एस ऊपर है ठीक है आई होप यू गेट ऑल दीज पॉइंट्स ठीक है देखते हैं और इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो ऐसी देंगे जहां पे कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हमारी आगे विड्रॉ हो जाएगी सिमिलरली अगर यहाँ पे भी मैं देखूँ तो यहाँ पे तो एस नीचे आ ही नहीं सकता राइट right? एस और किसके बीच में एस और ए के बीच में दो गैप होना चाहिए था तो दो गैप की ही नहीं है तो यहाँ पे दो गैप अगर रखते तो एस हमारे पास यहाँ आता ये एक हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है फिलहाल अभी तक ओके okay? तो देखते हैं और इन्फॉर्मेशन आगे एडअप करके देखते हैं और क्या इसमें कह रहे हैं हमने आगे बढ़े और यहाँ पे हमने पढ़ा

ठीक है भाई एम के लिए मैंने काइट्स यहाँ पे लिख लिया कहाँ आएगा अभी तक नहीं पता इन एन ऑड नंबर्ड ईयर ये ऑड नंबर्ड ईयर में आएगा यानी कोई विषम संख्या वर्ष में आएगा तो एम विषम संख्या वर्ष बचे कौन कौन से हैं बेटा बस एक 2013 बचा है यहाँ पे है ना तो इसमें तो हमारे पास एम के लिए सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एम जो है वो यहाँ पे आएगा और अगर यहाँ देखते हैं तो एम के लिए हमारे पास दो ईयर्स बच रहे हैं एक तो हमारे पास बच रहा है 2011 और दूसरा बच रहा है 2015 अगेन दो कलर ले लेते हैं एम एक बार मैं यहाँ ले लेता हूँ ठीक है और दूसरे कलर से मैं एम को यहाँ ले लेता हूँ ठीक है दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है जो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ बच्चों ऑलराइट ऑल राइट ओके आगे इन्होंने बोला एम रिसीव फॉर गाइड्स इन नंबर डी एट ओ वॉज अवॉर्डेड फॉर बिफोर एम बहुत बढ़िया अब देखो M को O को जो है वो M से पहले मिला है इसका मतलब अगेन अब यहां तो S फिक्स था बेटा तो यहां पे M नहीं आ सकता इस पॉसिबिलिटी में यहां पे M नहीं आ सकता ठीक है और अगर बिफोर M है तो O की चांसेस सिर्फ यहाँ पे है और कहीं हो ही नहीं सकता समझ रहे हो ना राइट कमिंग वेयर ओ हैज टू कम हेयर बिकॉज एम से पहले आना है तो यहीं पर आएगा और यहाँ पे हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बच रही थी ठीक है देखते हैं दूसरे पॉसिबिलिटी में ओ इज एट द इज बिफोर एम तो ठीक है यहाँ तो एक बार को ओ हो सकता है दैट इज पॉसिबल ओके ओ वॉज नॉट द फर्स्ट वन टू रिसीव देखो अब अगेन दिस इज गॉन ओ इज नॉट द फर्स्ट वन टू रिव अवॉर्ड तो अगेन तो तुम्हारी ये पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई फिनिश हो गई तुम्हारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच रही है एस ओ एल ए के एम और शायद कोई बच गया वो है n उसको तुम यहाँ लगाओ एंड द वर्क इज डन s o l a k m n दैट इज द सीक्वेंस मूवीज का नाम कोई टेंशन नहीं है वो आपके पास ऑलरेडी दे रखे हैं a आपके पास आ गया टू स्टेट्स ठीक है a आ गया टू स्टेट्स के आपके पास आ गया फैन और क्या था m था काइट्स m था काइट्स एंड सो ऑन यू कैन ऑलवेज फिल दैट कॉलम एंड वाज अंधाधून राइट right? अंधाधून व्हाटएवर इट इज ओ किसके लिए मिला था ओ को ओ कहा गया भाई ओ वॉज था ठीक है फितूर के के लिए था. के लिए था था एस कौन सा था? जो भी था हम देख सकते हैं कोई टेंशन नहीं है सुल्तान राइट right? तो ये हमारा आंसर इस तरीके से होना चाहिए था आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी इस तरह के क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़ गया है सारी पॉसिबिलिटी लेके चलनी है तब तक कि हमारा दूसरी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं वायलेट ना हो जाए उसका कहीं डिसओबे ना हो जाए ठीक है तब तक उसको लेके चलनी है ठीक है बच्चों